पारिजात को हॉरसिंगर भी कहते हैं। आपने पारिजात के फूल का प्रयोग जरूर किया होगा, लेकिन शायद पारिजात के गुणों के बारे में नहीं जानते होंगे। पारिजात का पेड़ बाग बगीचों में पाया जाता है। इसके फूल बहुत ही मनमोहक और आकर्षक होते हैं। आमतौर पर लोगों को हॉरसिंगर के फूलों को केवल पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि पारिजात या हॉरसिंगर के फायदे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। क्या आप जानते हैं कि हॉरसिंगर का वृक्ष कई रोगों का इलाज भी कर सकता है? आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है कि हॉरसिंगर एक बहुत ही उत्तम औषधि है। इस वीडियो में हम आपको पारिजात के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पारिजात क्या है? पारिजात का दूसरा नाम हॉरसिंगर है। हॉरसिंगर का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके फूल अत्यधिक सुगंधी, छोटे पंखुड़ी वाला और सफेद रंग के होते हैं। फूल के बीच में चमकीला नारंगी रंग होता है। हॉरसिंगर का पौधा जालीदार होता है। अन्य भाषा में पारिजात के नाम, पारिजात का वानस्पतिक नाम निक्टेन्थिस आर्बोर ट्रिस्ट्रिस है और यह पॉलियसी कुल का पौधा है। पारिजात के पेड़ इन नामों से भी जाने जाते हैं। संस्कृत में पारिजात, पुष्पक, प्राजक्त, राग पुष्पी और खरपत्र। हिंदी में हॉरसिंगर, पारिजात, कुड़ी, सिहारू और सेवली। गुजराती में पारिजात और इंग्लिश में मस्क फ्लावर, कोरल जैस्मिन और नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। रूसी यानी कि डैंड्रफ की समस्या में पारिजात के फायदे। अनेक लोगों बालों में रूसी की समस्या से परेशान रहते हैं। डैंड्रफ को हटाने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार उचित उपाय नहीं कर पाने के कारण रूसी से निजात नहीं मिलता। आप हॉरसिंगर के फायदे से रूसी को ठीक कर सकते हैं। आप पारिजात के बीज ले, इसका पेस्ट बना ले, इसे सिर पर लगाए, इससे डैंड्रफ की परेशानी खत्म हो जाए। हॉरसिंगर का पेड़ पहुंचाता है गठिया यानी कि आर्थराइटिस में लाभ। पारिजात के गुण से गठिया की बीमारी में भी लाभ ले सकते हैं। पारिजात की जड़ का काढ़ा बनाए, इसकी 10 से 30 मिली मात्रा में सेवन करें, इससे गठिया में फायदा मिलता है। हॉरसिंगर के पत्ते को पीसकर गुनगुना करके लेप बना लें, इससे जोड़ों के दर्द पर लेप करने से बहुत फायदा होता है। पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाएं, इससे सेकने से भी जोड़ों का दर्द और गठिया आदि में लाभ होता है। गले के रोगों में पारिजात के फायदे। जीभ के पास एक घंटी जैसा छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है, इसे गलसुंडी बोलते हैं। इससे जुड़ी बीमारी हो तो हॉरसिंगर का पौधा ले, इसके जड़ को चबाए, इससे गलसुंडी से जुड़े विकार ठीक होते हैं। हॉरसिंगर का पेट करता है खांसी का इलाज। खांसी के लिए आयुर्वेदिक दवा के रूप में आप पारिजात का पेड़ इस्तेमाल में लाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। 500 मिलीग्राम पारिजात की छाल का चूर्ण बनाएं, इसका सेवन करने से खांसी ठीक होती है। पेट के कीड़े की समस्या में पारिजात के फायदे। बच्चों हो या वयस्क, सभी को कई बार पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है। हॉरसिंगर के फायदे इस रोग में मिलते हैं। पारिजात के पेड़ से ताजे पत्ते तोड़ लें, चीनी के साथ पारिजात के ताजे पत्ते का रस 5 मिली सेवन करें, इससे पेट और आंतों में रहने वाले हानिकारक कीड़े खत्म हो जाते हैं। त्वचा रोग में पारिजात से लाभ। पारिजात के पत्ते का काढ़ा एवं पेस्ट बना लें, इसका प्रयोग करने से दाग, खुजली, घाव तथा कुष्ठ रोग आदि त्वचा विकारों में लाभ होता है। तंत्रिका तंत्र विकार में हॉरसिंगर के पेड़ के फायदे। तंत्रिका तंत्र विकार में भी पारिजात के गुण से फायदा मिलता है। पारिजात और निर्गुंडी के पत्ते लें, पत्तों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, इससे काढ़ा बना लें। इस काढ़े को
15 से 30 मिली मात्रा में पीने से नर्वस सिस्टम संबंधित दर्द ठीक होते हैं। लंबे व मजबूत बालों के लिए पारिजात का उपयोग। पारिजात से बीज का काढ़ा बालों की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। पारिजात का काढ़ा बनाकर बालों को धोए, इससे डैंड्रफ दूर करने तथा बालों को झड़ने से रोकने में मदद मिलती है। तनाव दूर करने में पारिजात के फायदे। तनाव को दूर करने में पारिजात सहायक हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार तनाव का मुख्य कारण वात का प्रकोप होना बताया गया है और पारिजात में वात को शांत करने का गुण होता है। पारिजात के उपयोगी भाग। पारिजात का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। पारिजात वृक्ष के पत्ते, पारिजात वृक्ष की जड़, पारिजात वृक्ष के तने की छाल, वृक्ष के फूल और वृक्ष के बीज। पारिजात का इस्तेमाल कैसे करें? पारिजात के इस्तेमाल की मात्रा, पारिजात का काढ़ा 15 से 30 मिली, पारिजात का रस 5 मिली। एक औषधि के रूप में पारिजात से अधिक लाभ लेने के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार उपयोग करें। पारिजात कहाँ पाया जाता है? पारिजात का पौधा असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात आदि राज्यों में पाया जाता है। यह 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पारिजात का पौधा मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम आएगी और अच्छी लगी हो तो मित्रों और परिवारों में शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।